GVN24 पर मैं हूं आपके साथ तनिषा। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद पहली बार कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और पटना के पालीगंज में रैली करने वाले हैं। जहां एक तरफ बीजेपी इस रैली को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोग नहीं जाते हैं जो बीजेपी में एक नंबर की हैसियत रखते हैं। अमित शाह तो दूसरे नंबर के नेता हैं। जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ नहीं होती तो दूसरे नंबर के नेता के कार्यक्रम में भीड़ कैसे होगी। ये लोग केवल दिल्ली से 40 सांसदों को लेने आते हैं, बिहार को कुछ देने के लिए नहीं आते। आरजेडी हिस्सेदारी लेने में नहीं देने में विश्वास करता है। विधान परिषद छोटा पद है, बड़ा पद राज्यसभा का होता है। आरजेडी ने अखिलेश सिंह को राज्यसभा के लिए नामित किया है और गठबंधन के लिए कुर्बानी दी है। उपेंद्र कुशवाहा से कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां खरमंडल करते हैं, जिस गठबंधन में जाते हैं वहां खरमंडल करते हैं। आप इससे बेहतर उम्मीद की कल्पना मत करें। बहुत लोगों को नीतीश कुमार चाहेंगे कि इस राजनीति से विदा हों। वह राजनीति से नीतीश कुमार विदा होने से पहले वो चाहेंगे कि नई पीढ़ी बिहार में राजनीति में न स्थापित हो, जो उनका मुहिम है। इससे बिहार की जनता समझती है नीतीश कुमार की विदाई तय है, बाकी जो नौजवानों को राजनीति में आगे आएंगे। पाटलिपुत्र सीट को प्रभावित करेंगे क्या? अमित शाह जो आ रहे हैं, मैंने कहा कि अमित शाह जा आ रहे हैं जिन लक्ष्यों को पूरा नहीं होगा। ये पाटलिपुत्र ने बिहार में कहीं जाएंगे सीटें उनकी घटेंगी बढ़ेंगी नहीं, ये दावे के साथ आप लिख लीजिए। उनकी ही सभा छोटी होती है तो उनके नीचे जो दूसरे नंबर के हैं गृह मंत्री जिनका काम आग लगाना है, उनकी सभा बड़ी कहाँ होगी? बिहार की जनता भली भांति जानती है कि ये बिहार में 40 सांसदों को ले आने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, बिहार को कुछ देने के लिए नहीं जा रहे हैं दिल्ली से। वो दिल्ली से आते हैं कि उनको बिहार में कैसे 40 सांसद में से हिस्सेदारी उनको मिल जाए और देश की जो लूट की सत्ता है, जो किसानों के छाती पे चढ़कर बेरोजगारों को ठगने का जो काम कर रही है देश की सत्ता, उसको कैसे निस्ताबूत कर दिया जाए, उसके लिए यहाँ वो आते हैं बिहार में। बिहार चक्कर में क्यों जेडीयू पड़ी रहती है? अच्छा, कांग्रेस में ये नाराजगी सुनने में आ रही है कि एक सीट कांग्रेस का ले लिया आरजेडी ने अपने। नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रीय जनता दल किसी की हिस्सेदारी लेने में विश्वास नहीं करता, राष्ट्रीय जनता दल देने में विश्वास करता है। विधान परिषद छोटा पद है, बड़ा पद राज्यसभा, जो देश के सर्वोच्च संसद का सदस्य के तौर पे राष्ट्रीय जनता दल ने मदद किया और नामित किया अखिलेश जी को प्रदेश अध्यक्ष को, और राष्ट्रीय राजनीति में के लिए जो जरूरी है कांग्रेस की बड़ी पार्टी, उसके लिए उन्होंने बिहार राष्ट्रीय जनता दल ने कुर्बानी दी। आरजेडी के एमएलसी। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए GVN24 न्यूज के साथ।